जनपद चमोली में नवरात्रि के पहले दिन कर्णप्रयाग के उमा देवी मंदिर में आज दूर दूर से भक्त पहुंचे और यहां लोगों ने अपनी मुराद पूरी करने के लिए पूजा अर्चना की। बता दें कि कर्णप्रयाग और पिंडर घाटी के मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। एक ओर जहां कर्णप्रयाग में उमा देवी मंदिर में दूर दूर से भक्त पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बैंगलोर से कर्णप्रयाग के उमा देवी मंदिर में पहुंचे लोगों का कहना है कि माता के मंदिर में पहुंचकर हम धन्य हो गए हैं, यहां पर आकर अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। हम लोग बैंगलोर से आए हैं और हम लोग अभी जोशीमठ की तरफ जा रहे थे, हमें मंदिर के बारे में पता चला तो मंदिर बहुत खास है, जो भी भगवान से यहाँ माता से मांगे दुआ मांगे तो पूरी हो जाती है ऐसा सुना है, तो इसलिए सब परिवार समेत आए हैं, शायद सब कुछ अच्छा ही होगा। जी आज हम उमा शंकरी के मंदिर में आए हैं। आज चैत्र महीने का पहला नवरात्र है, हमें हिंदुओं का पहला संवत्सर है, आज से हमारा हिंदू वर्ष शुरू होता है। आज दूर दराज से काफ़ी माताएं बहनें हम सभी लोग यहां पे उपस्थित हैं। हम माता उमा शंकरी के मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं। उमा शंकरी माँ मंदिर ये कर्णप्रयाग में है, बहुत पौराणिक मंदिर है, यहाँ पर हम सभी पूजा अर्चना के लिए हर वर्ष हर नवरात्र में यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चैत्र शुक्ल की प्रारंभ हो रहा है, विश्व एकादशी, यहाँ पर पिंगला नाम संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, जहाँ पे भगवती नौ रूप में विराजमान भगवती का यहाँ पे आराधना की जाएगी, माँ उमा शंकरी। यहाँ पे दूर दराज से भगवती की मन इच्छा फल प्राप्त करने के लिए भक्त अपने मन इच्छा फल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे दूर दराज से आते हैं।